हत्या कांड पे जो निर्वाण हत्या उस लड़की कुटी गई डॉक्टर की जघन्य अपराध है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है, इस पर सरकार रोक नहीं पा रही है, जिससे पूरा प्रयास करना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा अधिक से अधिक की जाए। राय यही है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसा शासन प्रशासन व्यवस्था को सही किया जाए, उसी आधार पर चले, यहाँ हमारी माँ बहन सब सुरक्षित हैं, इसी तरह हमारे पूरे देश की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जब से देश में भारतीय जनता पार्टी आई, देश को बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाई, और आज तक कहीं न किसी साथ छेड़खानी हो रही है, ना तो कोई कुछ हो रहा है। महिला उत्पीड़न जैसे उत्तर प्रदेश में कम है, इसी तरह पूरे भारत में कम होना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर क्या देखिए, जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ निंदनीय घटना हुई, उसकी तो पहले निंदा होती है। दूसरी बात यह है, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो सरकार महिला सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रही है, लेकिन जो महिलाओं के साथ इस तरह से दरिंदगी का अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए डायरेक्ट। भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से महिलाएं बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं। अभी मणिपुर की घटना को देख लीजिए, क्या उस परिवार को न्याय मिला? अयोध्या की घटना को देख लीजिए, क्या उस परिवार को न्याय मिला? और अब कोलकाता की मामला ऐसे लगातार हो रहा है, और ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो छुपाया जाता है और जो अभी से सामने भी नहीं आए। तो पता नहीं क्या सरकार कर रही है, कहने के लिए तो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीरो काम पे देखा जाए तो महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेके अगर कहा जाए तो आज की डेट में बहुत बड़ा प्रतिकूल हो गया है। जहाँ एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेके शासन प्रशासन अपने को कहता है कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया ढंग से सुरक्षा की जाएगी, ऐसे में ये कलकत्ता का घटना होना अपने आप में हिंदुस्तान में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना और दोषियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए, और इसमें इस तरह का मामला ताकि ना हो सके। कलकत्ता कांड निहायत ही शर्मनाक घटना है, जो कि महिलाओं के साथ खुलेआम अन्याय हुआ है। भारतीय संविधान की खिल्ली और धज्जियाँ दोनों उड़ाई गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे दोषियों को जो भी संविधान में कठिन से कठिन या कड़ा से कड़ा सजा हो, वह दिलाया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों को यह सीख मिले कि भविष्य में ऐसी कोई घटना करने की कोई जरूरत न कर सके। कलकत्ता कांड तो बहुत घोर निंदनीय है, इंसानियत के खिलाफ है। मनुष्य कोई भी हो या ऐसा कर्म करता, उसको तत्काल प्रभाव से सरकार को या तो फांसी की सजा सुनाया जाए, उसको एनकाउंटर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि उनके चाहे वो फ्यूचर हो चाहे क्रियाविधि हो, उस पर किसी का कोई गलत दृष्टिकोण ना पड़े। ऐसे क्रियाकलापों को करने वाले के साथ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे कलकत्ता सरकार हो, एक कार्य जो कलकत्ता में घटना घटी है, उस घटना पर क्या कहना चाहेंगे और महिलाएं कितने सुरक्षित हैं? कलकत्ता में जो घटना लगातार सोशल मीडिया से लेकर सब जगह पे चल रहा था, हर जगह का आम जनमानस इससे मनमाना है, और संगठन का विशेष आदेश हम सभी को इस घटना के बाद वर्षों में हम एक विराट प्रदर्शन उसके लिए करने वाले हैं, और भारत सरकार से सीधे सीधे मांग करने वाले हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन में खड़ा होने वाले विवेक विपक्षी आज भी समाज में घूमता हम हैं, जिनको महिलाओं के सम्मान का ख्याल नहीं होता, उसके बावजूद भी आज सरकार में बने पड़े हैं। तो सरकार से परसों के बाद हम मांग करने वाले हैं, घटना हुआ और जिस महिला का साथ हुआ, जिस बेटी के साथ हुआ, जिस भी परिवार की बेटी है, उसके लिए सबसे पहले बात उसके परिवार के साथ संघर्ष है, और दुख तक से ये है वो ये चिन्हित करने के बजाय कि किन लोगों ने उसके साथ अपराध किया है, बलात्कार किया है, बलात्कारियों को और आरोपियों को बचाने की जो कवायद पश्चिम बंगाल सरकार ने या जिस किसी ने भी किया हो, जिस किसी के भी दबाव में किया हो, वो बहुत निंदनीय है। इस देश का दुर्भाग्य है कि स्थानीय सरकारें जो हैं
अपने स्थानीय हितों को प्रत्येक चीज में अपने वोट देते हैं। जब प्रत्येक चीज में जब सरकारें वोट देखने लगेंगी, वोट का वोट की बातें करने सोचने लगेंगी, तो यह काम दिखा है। और आज किस लड़की के साथ हुआ है, कभी ममता बनर्जी के घर की किसी लड़की के साथ हुआ है, कभी मोदी जी के घर की किसी लड़की के साथ हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं हमारे देश की शान है। आज हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हमारा वजूद क्या है, ठीक है? इसके बारे में सरकार को भी और समाज को भी ध्यान देना चाहिए। और कम हमारा क्रिकेट होता है अभी देखा जा रहा है कि सर कोलकाता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ घटना घटी थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पर क्या कहा? देखो, पश्चिम बंगाल में महिलाएं नहीं कोई सुरक्षित नहीं है। खासतौर से जो घटना घटी युवा डॉक्टर के पास और जिस तरह से बलात्कार उसके साथ और उनके साथ हुआ है, जैसा ये घटना हत्या हुई है उसकी निंदा करो। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपना जो है टिप्पणी दे चुका है, उसका सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ और सारे सबूत नष्ट करने के लिए वहाँ की पुलिस और प्रशासन जो लगा था ये भी पर्दाफाश हुआ। उसे साफ जाहिर होता है पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है वो एक तरह से मैंने जघन्य अपराध करा रही है और वो सरकार को निलंबित करके बर्खास्त किया जाए राष्ट्र प्रशासन लगा। मैंने जो कोलकाता में घटना घटी थी जो महिला डॉक्टर के साथ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और महिलाएं कितनी सुरक्षित है, इस पर क्या कहना? इस तरह की घटनाएं तो देखिए कहीं से भी शोभनीय नहीं है, राष्ट्र के लिए शोभनीय नहीं है। जहां हम नारी को देवी का रूप मानते हैं वैसे में इस तरह के तमाम जो संस्थान है जिसमें जो महिलाओं को लेकर के जो उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये हर राष्ट्र की हर सरकार को सोचना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो तो भयावह स्थिति नजर आती है। इस तरह की घटनाएं इतने बड़े क्षेत्र में शहर में जो हमारे देश का एक जाना माना शहर है जिससे हमारी विश्व में उस शहर से ही पहचान है, वहाँ इस तरह की घटना है तो विश्व को भी हम गलत मैसेज जा रहा है हमारे देश का। और बेटियों को सुरक्षित होना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही इसकी कड़ी और उस बेटी पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और ममता बनर्जी ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है और उसको लीपापोती करके उसको और बंद किया है बक्से में। इसीलिए कोर्ट ने तुरंत 5 दिन के बाद सीबीआई को किया कि आप तुरंत जाइए, कोर्ट को ये दुखद घटना बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही अब क्या इतनी क्षति हुई है और महिलाएं तो सुरक्षित है ऐसा नहीं है, लेकिन सुरक्षित कैसे हो सकती है कि हमारे पास में हमारा भाई बंधु ही है और समझ में नहीं आता है कि क्या। लेकिन अब हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम पेरेंट्स अपने बच्चों को और अपने बेटे को भी ये ज्ञान दें कि हमारी जो भी बहने समाज में हैं माता बहने हैं उनको हम पूजनीय, जो हमारी संस्कृति थी जो संस्कार था हमारे हिंदू का उस पर अमल। कोलकाता में जो डॉक्टर जूनियर थी उसका नाम था ममता देवनाथ, उसके साथ जो दुर्घटना हुई जो उसका बलात्कार किया गया संजय राय और उसकी निर्मम हत्या कर दी, सबसे पहले तो उसको मैं अपनी तरफ से फांसी की सजा की मांग करता हूँ। और उसको बचाने में जिन जिन लोगों का हाथ हो, जैसे कि उसमें सबसे पहले तो पहुँचा कैसे, हॉस्पिटल का वो कर्मचारी नहीं था, वो जो है दलाल था, पुलिस का जो है कोई कर्मचारी था। उसके बाद FIR में जो देरी किया तो उस हॉस्पिटल के जो पुराना चाहे थे प्राचार्य थे उनके खिलाफ भी जो है FIR होना चाहिए। और जो भी उनको बचाने में चाहे पुलिस यात्रा चाहे जो भी रहे हों उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और निश्चित रूप से बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी, जिससे कि एक नज़ीर बने, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान में बहन बेटियों के साथ ऐसा किसी करने की हिम्मत न पड़े। देखिए ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो इनके साथ इस तरीके की अभद्रता हो रही है और अप्रिय घटनाएं सुनाई दे रही है, ये हमारे देश और समाज के लिए चिंता का विषय है और दुखद विषय है। आज हम सभी प्रदेश की सरकारों से इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि वो अधिक से अधिक CCTV कैमरा लगाएं और जो भी जांच अधिकारी हैं उनकी जांच भी वो करें, क्योंकि तमाम इस मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है
इस पे तमाम जगह पे एक साजिश भी हो रही है, गलत व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और इससे भी दुखद बात यह है कि जो इन्होंने ये एक प्रथा अपनाई है कि जिसने भी अत्याचार किया उसके घुटने में गोली मार रहे हैं, उसके सीने में गोली मार रहे हैं, इससे ये समाज कभी भी सुधरेगा नहीं, नई व्यवस्थाएं बदलेंगी, इसके लिए आवश्यक है शिक्षा की आवश्यकता है। ये हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है जहाँ हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और माता को जो है हमारे यहाँ महिलाओं को माता का रूप दिया गया है, और ऐसे देश में इस तरीके से रेप कांड होना और उसकी हत्या हो जाना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कमेटी इस घटना की बहुत घोर निंदा करता है और वहाँ के प्रशासन से यह उम्मीद करता है कि इस पर जो है विधि कार्यवाही करते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए जो इसके दोषी हैं उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही वो करें। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो सरकार में बैठी है ममता बनर्जी जी, वो एक महिला होने के साथ साथ महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं। ये बहुत एक जघन्य अपराध है जिस जो महिला होते हुए, महिला सीएम होते हुए वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, निंदा करने लायक बात है। महिला सुरक्षा के लिए कोई मतलब नहीं बन रहा है, महिला असुरक्षित हैं। वैसे पश्चिम बंगाल का शुरू से रहा है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा ही ये तो बहुत जघन्य अपराध कि डॉक्टर महिला के साथ रेप कर उसका हत्या कर दिया गया। हमारी सरकार से मांग यही है कि वहाँ पर ममता बनर्जी को हटा किसी और को बैठाया जाए। नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है, वैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी ये जो हुआ है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया करनी चाहिए, बहुत ही गलत काम हुआ है और जो उस पर अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये सब घटनाएं तो कई बार हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी बड़े नेता हों या बड़े अधिकारी हों, ये लोग जब तक अपने मन में सफाई नहीं रखेंगे, जैसे अपने घर की माँ बेटियाँ हैं वैसे सबको समझें, और नहीं तो ये सब जघन्य अपराध इसी तरह होते रहेंगे, कोई रुकने वाला नहीं मिलेगा। रेप के बाद जिस तरीके से हत्या की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, एकदम निंदा के ऊपर का काम हो गया, एकदम शातिर अपराधी की तरह और तड़पा तड़पा करके उसके साथ उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। इसमें जल्द से जल्द सुनवाई होती फर्स्ट ट्रैक केस में और जल्दी उनपर सजा देनी चाहिए। अपनी बहन के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरी बहन के लिए गलत सोचते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार को कड़े से कड़क कितने सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, जो उठाएं जिससे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। महिलाओं को सुरक्षा नहीं, कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। गुंडे और आवारा लोग बिल्कुल उसमें निर्भय हैं, अयुक्त हैं। जैसा कि सरकार नारा देती भयमुक्त सरकार, ये भय कतई नहीं अपराधियों को अपराध करने में, और नारी सुरक्षा की कहीं कोई वो नहीं दिखाई दे रही है। ये सिर्फ बुरा है, सरकार नारियों के प्रति उदासीन है, केवल नारियों के शोषण के लिए सरकार उठा रही है। देखिए, कलकत्ता में जो घटना महिला डॉक्टर के साथ हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और ये किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी महिला के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सभी लोगों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। ये ऐसी दरिंदगी हमारे भारत जैसे देश में हो रही है, ये हम भारतवासियों के लिए भी निंदनीय है। ये हमें अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि हम अपनी बहनों बेटियों माताओं को कैसे सुरक्षित रखें ऐसे हैवानों से, क्योंकि हमारे यहाँ पहले एक रावण था, अब घर घर रावण है। ऐसे हैवानों को मृत्युदंड की सजा हो तो उस मृत्युदंड की सजा का कन्फर्मेशन भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से इतना शीघ्र होना चाहिए कि वह जो प्रक्रिया है न्यायिक वो इतनी लंबी ना जा सके, और उसको मौत ही देनी चाहिए, सजा सीधे मौत, उसको कोई आजीवन कारावास में बदलने की जरूरत नहीं है। महिला डॉक्टर के साथ जो ये दुष्कर्म और इस तरह की गई है ये बहुत ही निंदनीय है। हम ममता सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी अपराधियों को सजा दी जाए, जिससे कि अगला कोई ये करने के विषय में सोचे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही दुष्परिणाम हो सकता है। अगर ऐसा होता है बार बार तो ये बहुत ही बात अपने देश के लिए बहुत ही
शर्मसार करने वाली चीज़ होगी और ये अपना विश्व में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा और अपना ये आंकड़ा भी उसका मुकाबला बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा।